जब हम किसी बड़े खिलाड़ी को देखते हैं, किसी बड़े रेसलर को देखते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सवाल तो खड़ा होता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा। अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो योद्धा या फिर वो सैनिक या फिर वो तगड़ा इंसान जिसके बारे में मैं सुन रहा हूँ कि वो क्या खाता था, ये चीज़ हमारे दिमाग में जरूर आएगी। और आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि यार उस समय प्राचीन समय के जो योद्धा और वो राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, जो कि 10-10, 20-20 किलो तक भाला लेकर पूरा पूरा दिन लड़ते थे, वो अपने खाने में क्या आहार लेते थे। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में खोजा, स्टडी की कि क्या क्या डाइट प्लान उनका हुआ करता था नॉर्मली और युद्ध के टाइम भी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो आहार वो उस समय खाते थे आज भी कहीं ना कहीं वो आहार हमारे भारत देश में मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह वो लुप्त हो चुके हैं। और सच्चाई ये है कि उन शक्तिशाली आहारों को देहाती भोजन साबित करके बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह तो नहीं लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज नहीं दी जाती। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए वरदान है मेरे भाइयों। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहा था तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पता चली वो थी सीमन रिटेंशन। इसको मैं पहले नंबर पर रखूंगा क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता, इसलिए हम इस एनर्जी को सेक्सुअल एक्टिविटी में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जीनियस बनने में और पावरफुल बनने में। जिस इंसान के अंदर सीमन नहीं ठहरता उसका शरीर से और दिमाग से कमज़ोर होना स्वाभाविक है। प्राचीन समय के जो योद्धा होते थे उनके जो गुरु होते थे वो उनको सबसे पहले इसी चीज़ बारे में बताते थे ताकि पहले उनको शरीर से और दिमाग से मजबूत किया जा सके, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती थी। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो आपको यह बात पता होगी कि हमारे देश में पहले गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चों को 13 से 25 वर्ष की उम्र तक गुरुकुल में ही रखा जाता था और ब्रह्मचार्य शिक्षा दी जाती थी ताकि जो उसका हुनर है बच्चे का उसमें वो शक्तिशाली जीनियस बन सके। और आप यह बात भी जानते हो कि पुराने समय में अश्लीलता बिल्कुल ना के बराबर थी, नहीं होती थी, और यह सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि उस समय के योद्धा सैनिक इंसान इतने अधिक पावरफुल बन सके शरीर से भी और दिमाग से भी। अब मैं बात करूंगा अनाज की। उस समय अनाज एक ही तरह का नहीं होता था, जो कि आज भी नहीं होता। अब मैं आपको एक पावरफुल सीक्रेट बताऊंगा पुराने समय के माध्यम से। ऐतिहासिक प्रमाणों से खोज करने पर पता लगा कि प्राचीन काल में सबसे प्रचलित अनाज तिल, ज्वार, बाजरा ये सब हुआ करते थे, लेकिन हमारे घरों में हर रोज एक ही अनाज की रोटी बनती है, वो गेहूं हो या फिर चावल। मुझे पता है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सिर्फ गेहूं या फिर चावल यही होता होगा, लेकिन पुराने समय के सैनिक हो या फिर योद्धा वो सब अलग अलग अनाज खाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्वार, बाजरा, तिल। और ये चीज हमारे शरीर का जो साइज है वो बढ़ाती है और हमारे शरीर के अंदर ताकत पैदा करती है। लेकिन आज के समय में शायद आपके पास इन चीजों को बनाने के लिए टाइम नहीं होगा। उस समय चावल को उबालकर उसमें दूध और शक्कर मिलाकर खाया जाता था, जो कि बहुत शक्तिशाली भोजन होता है। देसी चना, ये आज ही नहीं उस समय भी एक शक्तिशाली आहार था। इसका सेवन सैनिक युद्ध के समय करते थे। युद्ध से कुछ दिन पहले देसी चना भिगो दिया जाता था और युद्ध के दौरान गुड़ के साथ ये खाया जाता था। गुड़ के साथ देसी चना खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और शरीर में शक्ति का विकास होता है। उस समय जितनी भी मिठाइयाँ बनती थी, एक खास बात और, उस समय जितनी भी मिठाइयाँ बनती थी वो बिल्कुल प्योर दूध की होती थी। अब आती है प्रोटीन की बात, क्योंकि पूरा पूरा दिन तलवार चलाना, भाला चलाना, दूर दूर तक दौड़ना, इनमें उनकी बॉडी की काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती होगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले सैनिक अपनी मसल्स तोड़ते थे तो प्रोटीन इतना अधिक कहां से लेते थे, क्योंकि ये तो है नहीं कि उस समय सप्लीमेंट होता था, एक चम्मच लिया और खा लिया। प्रोटीन के लिए अलग अलग तरह की दालें बनाई जाती थी, और जैसा कि मैंने बताया ना कि अलग अलग अनाज का खाना बनता था, जैसे कि तिल, ज्वार, बाजरा, खीर। आप सर्च कर सकते हो इनमें कितना अधिक प्रोटीन होता है। ये देखो, 100 ग्राम तिल में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम ज्वार में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर बात की जाए बाजरा की तो 100 ग्राम बाजरा में कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन होता है। अब आप खुद सोच कर देखो कि इन सब की रोटी अगर आप बनाकर खाओ और वो भी दाल के साथ, तो कितने ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा। ये सोचने की बात है, शायद आपको ये बात पहले ना पता थी, जितना प्रोटीन इन देसी चीज़ों में होता है वो शायद ही आपको किसी सप्लीमेंट या फिर कोई नॉनवेज कैटेगरी में होगा। और अब अगर कुछ नेगेटिव लोग अपना दिमाग बहलाने के लिए ये बोले कि इनमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये सब बहम तुम्हारे मैं अगली वीडियो, अलग वीडियो बनाकर प्रूफ के साथ निकालने वाला हूँ। प्रूफ के साथ हमारे देश में इतने पावरफुल आहार है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने उन आहार का देहाती भोजन साबित कर दिया। लेकिन आप ये बात जानते नहीं शायद कि यही आहार खाकर प्राचीन समय के योद्धा सैनिक पूरा पूरा दिन उनको लड़ने की शक्ति मिलती थी और मारने या मरने का जिगर उनमें होता था। यहाँ पे तो भाई अगर कोई गिलास भी हाथ से चूरता है वैसे ही दिल कांप जाता है।
अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ शक्तिशाली औषधियों की जो कि राजा महाराजा खाया करते थे रात को दूध के साथ। सबसे पहले स्थान पर आती है स्वर्ण भस्म जो कि सबसे शक्तिशाली औषधि होती है। वीडियो खत्म होने के बाद इसके बारे में आप पता कर सकते हो और अगर आपको ये कहीं असली मिल रही है तो सही है, आप खा सकते हो। केसर, उस समय जो दूध होता था उसमें केसर डाला जाता था और आपको ये बात पता है कि केसर कितना शक्तिशाली होता है, इसका सेवन दूध के साथ सभी योद्धा करते थे। यही नहीं, इसके अलावा अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, मुलट्ठी, शिलाजीत, इन सब का सेवन किया जाता था। जब मैंने इन सब के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सब चीजें इंसान का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाती है जिससे हमारी बॉडी का विकास तेजी से होता है और हमारे शरीर में कोई कमी नहीं रहती और हाइट भी बहुत अच्छी खासी बढ़ती है। और ये चीजें उस समय बिल्कुल प्योर हाथों से बनाई जाती थी और यही कारण है कि उस समय के राजा, या राजा ही नहीं बल्कि सैनिक भी अच्छे खासे लंबी हाइट वाले, चौड़े शरीर वाले होते थे और इतना इतना वेट उठा लेते थे, क्योंकि जब आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल बूस्ट पर चला जाता है तो मसल्स भी बनती है, हाइट भी बढ़ती है, आंखों की रोशनी भी तेज होती है, ग्लो भी बढ़ता है, बाल भी चमकते हैं, कोई कमी शरीर में नहीं रहती और उस समय तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी नेचुरल बढ़ा हुआ होता था। तो ये जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई ये सबसे बेस्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए, और बेस्ट तब है अगर आपको प्योर मिले, दैट्स इट। एक और जो चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे कि हमारे यहाँ कोई शादी होती है, पार्टी होती है, जन्मदिन होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पर हर एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगी, फास्ट फूड, तला हुआ, जो भी है, मतलब हर चीज़ ऐसी होगी जो जिसने हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन क्या कभी सोचा है पुराने समय में जो ये होते थे, शादियाँ होती थी, जो भी जश्न होते थे, तो उसमें खाने पीने के लिए क्या बनाया जाता था? तो उस समय ये चीज़ें बनाई जाती थी जैसे कि देसी घी की जलेबी, देसी घी का हलवा, फल फ्रूट और हरी सब्जियां और लस्सी, ये ऐसी ऐसी देसी चीज़ें बनाई जाती थी जो कि हमारे शरीर को पावरफुल बनाए, देसी घी के लड्डू, ये ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। तो आप खुद सोच कर देखो कि कितना फर्क है इनमें, और ज़्यादा भी नहीं बदला है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है अगर हम चाहें तो, ठीक है। ये थे वो शक्तिशाली आहार जो कि पुराने समय के राजा खाया करते थे। देहाती भोजन ये नहीं बल्कि वो है जो कि आप आज खाते हो। फास्ट फूड आपके खून का पानी बना देता है। इस फास्ट फूड ने आपके पाचन शक्ति को इतना कमजोर कर दिया कि वो ये शक्तिशाली भोजन पचा ही नहीं पाती, और फिर आप सोचते हो कि हमारे देसी खाने में ताकत नहीं, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, देसी घी नहीं खाना चाहिए। देसी खाने में तो पूरी ताकत है मेरे भाई, लेकिन आपके लीवर में ही ताकत नहीं है, ये है पूरी सच्चाई, ये है पूरी सच्चाई, ठीक है। और आज तक मैंने कभी नहीं बोला आपसे कि यार मेरी वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, लेकिन आज बोलूँगा भाई कि ये वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो आती रहेगी, क्योंकि भाई साहब आज अपने देसी खाने में बात आई है जिसको आगे हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।